हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवलोकन कर बताइए कि सभी दिशाओं में देख सकने वाली आँख कौन से जीव की होती है। तो उसका याद रखना है आपको, सबसे सभी दिखाओं दिखाने वाली वो होती है मक्खी। कौन होती है? मक्खी। नीचे दिए गए चित्र को देख कर बताइए कि ये किसका क्षेत्र का मकान है। तो ये ध्यान रखना, रेगिस्तानी क्षेत्र का मकान है। मछली के चित्र को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र को देखकर हमें पिक्चर उसके आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? तो शल्कों द्वारा। किसके द्वारा? शल्कों के द्वारा, जो उसकी बॉडी पर होता है। मछली का आकार किसके समान होता है? नाव जैसा होता है उसका आकार। तैरने के लिए मछली के शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? पंख और पूंछ जो होती है वो मछली के शरीर पर होता है, जिससे वो तैर सकती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र जोधपुर जिले के किन्हीं तीन पड़ोसी जिलों के नाम? जोधपुर के, तो जोधपुर में है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर भी ले सकते हैं, क्योंकि नागौर भी इधर टच हो रहा है इससे। आपके विद्यालय में कई महापुरुषों की जयंती या उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उन महापुरुषों की तीन गुणों को लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। सादगी, सत्यनिष्ठा, देशभक्ति, ये जो तीन चीज़ें हैं जो हम अपनाना चाहते हैं। रेन बसेरे कहाँ बनाए जाते हैं? ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर, यहाँ लोगों का आवागमन अधिक होता है। जहाँ पर लोगों का आवागमन अधिक होता है उसी पर क्या बनाते हैं? रेन बसेरे बनाए जाते हैं। भूकंप से होने वाले कोई दो हानियाँ लिखिए। घरों की दीवारों में दरार पड़ जाती है और धरती हिलने के कारण इमारतें गिर जाती है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार में दादा दादी जी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची जी, माता पिता एवं उनके बच्चों सभी साथ में रहते हैं, और एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं। नेक्स्ट, आँख में नाखून का पीला होना तथा मूत्र पीला आना आदि लक्षण किस रोग से संबंधित है? तो वो है पीलिया। किससे? पीलिया से। कोष्टक में दी गई अष्टांग योग के अंगों को अंगों और घर के आंगन में बैठकर खेले जाने वाले पारस्परिक खेलों को तालिका में लिखिए। अष्टांग योग के अंग है वो कौन से हैं? आसन और ध्यान। घर में बैठकर खेले जाने वाले खेल चौपड़ और गिल्ली डंडा, ये हम घर पर खेल सकते हैं। बाघ नहीं होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बाघ कई जीवों को खाता है, जैसे हिरण, नीलगाय, अगर बाघ नहीं होंगे तो इन जानवरों की संख्या बढ़ेगी और ये बहुत सारी घास या पत्तियां खा जाएंगी, जिससे अन्य जीवों जो घास या पत्तियां खाते हैं उन्हें कम खाने के लिए मिलेगा। इस प्रकार बाघों के समाप्त हो जाने से जीवन प्रभावित होगा, जलीय जीवन जो है प्रभावित होगा। नेक्स्ट, कोष्टक में दी गई वस्तुओं को स्वाद के आधार पर लिखना है। तो स्वादानुसार खट्टा, स्वादानुसार कड़वा। सबसे पहले खट्टा नींबू और दही, कड़वा है करेला और नीम की पत्ती। आंख में नाखून का पीला होना व मूत्र पीला आना पीलिया कहलाता है। दिन में 4-5 या ज्यादा दस्त आना, पेट में मरोड़े माना अतिसार कहलाता है। भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना कृमि रोग कहलाता है। बुखार रहना, सिर दर्द, हाथ पैर में जकड़न तथा पैरों में लकवा आना क्या कहलाता है? पोलियो कहलाता है। गौशाला में गायों की अच्छी देखभाल हेतु कोई तीन व्यवस्थाएं बताइए। गायों के लिए चारा पानी का उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बारिश के पानी की व्यवस्था। गायों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पशु चिकित्सा चिकित्सक रहना चाहिए। अंडे देने का कार्य कौन सी चींटी करती है? तो रानी चींटी जो है वो अंडे देने का कार्य करती है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई तीन उपाय बताइए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हमें कार की बजाय बस का उपयोग करना चाहिए, बैटरी से चलने वाली गाड़ी का उपयोग करना चाहिए, चौराहे पर रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन के खाने की क्रिया का अगर हम थोड़ा सा भोजन की खाने की क्रिया का अगर हम थोड़ा धीमा करके देखें तो क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा कि सबसे पहले हमें भोजन को मुंह में लेकर चबाते हैं, जिससे वे छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक हो जाता है, जिससे हमें निगलने में आसानी होती है। अब लार के साथ भोजन गीला तथा लसलसा हो जाता है। अब रोटी, मक्का, ब्रेड का स्वाद मीठा लगने लगता है, जो पहले फीका था।
इसे आप मिठास अन्य मिर्च मसालों या नमक के स्वाद के कारण महसूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा है। क्या कारण है कि साल भर गाजर मटर प्याज आलू मिलते हैं, तो ये कारण बताना हमको। गाजर मटर प्याज आलू का रासायनिक परीक्षकों द्वारा एक कोल्ड स्टोर में लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है, अतः ये साल भर मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहट सिंचाई प्रक्रिया से संबंधित है। रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो कुएं पर लगी होती है। इसे पानी के कई पात्र लगे होते हैं जो कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो ये पानी से भर जाते हैं। रहट चलाने के लिए बेलों का इस्तेमाल किया जाता है। रहट चलाने पर पानी से भरे पात्र जब बाहर आकर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडर में पानी नालियों में होता हुआ खेत तक पहुंच जाता है तथा सिंचाई के काम आता है।